ओके, तो टैली में आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, जैसे हमने अब तक पढ़ लिया टैली में कंपनी क्रिएट करना, जनरल एंट्री करना, ओपनिंग चढ़ाना, इसके अलावा कॉस्ट कैटेगरी सेंटर, परचेज और सेल। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं टैली में। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो दो चीज़ों पे होती है, एक तो जो हमारी पार्टीज होती हैं जिनसे हम सेल और परचेज करते हैं, ठीक है, जिसको जिस पार्टी को भी हम सामान बेचते हैं उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर वो समय से हमें पैसा नहीं देते हैं तो। उसी तरह से जो हमारे क्रेडिटर होते हैं वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर हम उनको समय से पैसा ना दें तो। और सेम इसी तरीके से एक लोन का केस होता है, तो लोन के केस में भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। सपोज आपने कहीं से भी लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर आपने किसी को अमाउंट लोन के रूप में दिया है तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इन सब, ये जो इंटरेस्ट है इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है टैली के ऊपर, ये हम आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं 18-19 में। तो टैली पे आते हैं और एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, D14, उत्तर प्रदेश, और कंपनी जो हमें क्रिएट करनी है वो 18 में बनानी है। तो यहाँ 1/4/2018। ओके, तो कंपनी तो हमारी क्रिएट हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, फर्नीचर ₹70,000, बिल्डिंग ₹1,50,000 एंड SBI ₹1,10,000। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली जनरल एंट्री है, यानी कि प्रोप्राइटर ने इसी साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे तारीख भी लिखी है 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं चढ़ाना है बल्कि आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो प्रोप्राइटर ने देखिए क्या क्या लगाया। उसने कैश लगाया, फर्नीचर लगाया बिजनेस में, बिल्डिंग लगाई और इसके अलावा SBI बैंक में भी पैसा लगाया है। तो ये चारों अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और SBI अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, ये सारी अमाउंट को आप एक बार जोड़ लीजिएगा, यानी टोटल कैपिटल कितना हो इसको आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कैश है 60,000, ओके, इसके अलावा फर्नीचर है 70,000 और फिर आपका बिल्डिंग है 1,50,000 और SBI में 1,10,000। तो ये जो टोटल कैपिटल है वो प्रोप्राइटर ने लगाया, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, इक्वल टू सम, तो हमें पता चल जाएगा प्रोप्राइटर ने टोटल जो है कितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो कब, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,90,000 आ गया हमारा, जिसका मतलब प्रोप्राइटर ने 3,90,000 का कैपिटल लगाया है। टैली पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलते हैं और सीधे वाउचर एंट्री पे चलते हैं। और हमें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है क्योंकि बिजनेस प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया है। तो यहाँ सबसे पहला क्रेडिट पूछ रहा है आपसे, तो क्रेडिट क्या करना है, कैपिटल, और कैपिटल का जो लेजर होता है वो अंडर कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब यहीं पे आपको अमाउंट क्रेडिट करना है, तो हमने यहाँ पे टोटल कैपिटल निकाल लिया था 3,90,000, तो क्रेडिट कितने से करेंगे, 3,90,000। अब इसके बाद हर एक चीज आपको डेबिट करनी है, यानी सबसे पहले कैश डेबिट कर लेते हैं 60,000 से। तो कैश का लेजर ऑलरेडी टैली में बना रहता है, 60,000 से इसको डेबिट कर लेंगे। फिर इसके बाद डेबिट करना है हमें कैश के बाद फर्नीचर 70,000 से। तो अल्ट सी करके लेजर बनाते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर का अंडर फिक्स एसेट, और ये जो अमाउंट, इसका जो अमाउंट है वो है 70,000। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आपको जो डेबिट करना है वो है बिल्डिंग 1.5 लाख, अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा बिल्डिंग, इसका भी अंडर जाएगा फिक्स एसेट और अमाउंट 1,50,000। इसके बाद एक लेजर हमें और डेबिट करना है, लेजर का नाम है SBI बैंक अकाउंट, अल्ट सी करके बना लेंगे SBI, और इसका अंडर जाएगा बैंक अकाउंट, बाकी का अमाउंट 1,10,000 जो है वो प्रोप्राइटर ने बैंक में लगाया। तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रजत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 1/5/2018, बिल नंबर दिया है विद ट्रेड डिस्काउंट 1%। ओके, तो हमें यहाँ पे परचेज करना है। परचेज करना है तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट का फीचर इनेबल करना होगा। दूसरा, यहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड भी दिया हुआ है। एक्चुअल में 10 पीस हम परचेज करके ला रहे हैं और बिल कितने का बन रहा है, 8 पीस का। तो यहाँ एक्चुअल बिल्ड का भी फीचर आपको इनेबल कराना है। इसके अलावा यहाँ परचेज रेट, सेल रेट, यानी सेल रेट भी आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे सेल रेट का भी इनेबल कराना पड़ेगा, सेल प्राइस फिक्स करने का फीचर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 फीचर इनेबल कराने हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा एक और नीचे नोट भी दिया है, 1 box = 10 piece, यानी एक बॉक्स में जो आइटम है वो 10 पीस हैं। तो चलिए 1 by 1 सारे फीचर हम लोग इनेबल करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे F11 में, F11, और यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट का फीचर इनेबल करेंगे। एक तो दिस वन, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, एक तो ये फीचर यस करा लेंगे। इसके अलावा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस, इस फीचर को भी यस करा लेंगे। तो F11 से हमने 2 फीचर इनेबल करा लिए। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे एक लास्ट में जो LED इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल बल्ब दिख रहा है, ये टोटली फ्री आइटम है। तो ये आइटम जो टोटली फ्री है, इसके लिए आप फीचर कहाँ से इनेबल करेंगे, तो आपको जाना है मास्टर्स में, अल्टर में, और वाउचर टाइप में चले जाइएगा और यहाँ पे खोलिएगा परचेज वाउचर, दिस वन, और यहीं पे आपको फीचर मिलेगा अलाउ 0 value transaction। तो आपको इस फीचर को यस करा लेना है। और इसके अलावा एक फीचर हमें और इनेबल करना है, सेल प्राइस फिक्स करने के लिए। तो जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उसको वहां पे इनेबल करा लेंगे। और उससे भी पहले हम लोग एक क्या कर लेते हैं, गोडाउन बना लेते हैं। तो यहाँ से क्रिएट में चलते हैं, और हमारा जो गोडाउन है पहले वो हमें क्रिएट कर लेना है, क्योंकि एंट्री करते समय गोडाउन आता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गोडाउन जो है वो है नोएडा में, तो नोएडा एक गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे वाउचर में और परचेज वाउचर, F9 शॉर्टकट की होती है परचेज की। क्वेश्चन में जो डेट है वो है 1/5, F2, 1/5 की डेट डाल लेंगे, और बिल नंबर आपका दिया हुआ है PUR 8796 18, PUR 8796 18। तो ये आपका बिल नंबर हो गया। पार्टी का नाम अल्ट से करके बनाएंगे पार्टी, तो पार्टी है हमारी रजत इलेक्ट्रॉनिक्स, रजत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनसे हम सामान खरीद रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ओके, अब यहाँ पे हमें बनाना होता है परचेज का लेजर, अल्ट सी करके बना लेते हैं परचेज, और परचेज का अंडर जाता है अंडर परचेज अकाउंट के कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं सारे स्टॉक आइटम, तो अल्ट सी करके एक एक करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक आइटम हमें बनाना है LED इमरजेंसी बल्ब। ओके, LED इमरजेंसी बल्ब। अब इसका कोई ग्रुप वगैरह नहीं दिया है तो प्राइमरी डालेंगे। अब यूनिट में 2 यूनिट है इसकी, बॉक्स और पीस। ठीक है, तो आपको बॉक्स और पीस दोनों ही बनाने हैं। अल्ट सी करके पहले बना लेते हैं बॉक्स, एक्सेप्ट कराते हैं इसको, और यहाँ फिर से बैक स्पेस करना है, आपको यूनिट पे आना है और फिर अल्ट सी करना है और यहाँ बना लेना है 30। और अब फिर से एक बार बैक स्पेस करना है, अब इन दोनों यूनिट को हमें कंपाउंड कर देना है। तो यहाँ फिर से अल्ट सी प्रेस करेंगे और ये जो सिंपल ऊपर लिखा है बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे ले लेंगे कंपाउंड। और यहाँ पे हम पहले यूनिट लेंगे बॉक्स। अब एक बॉक्स में कितने पीस हैं, तो एक बॉक्स में क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो 10 पीस है, तो यहाँ पे हम भरेंगे 10, और सेकंड यूनिट हमारी क्या रहेगी, पीसेस। तो ये हमारा बन गया कंपाउंड यूनिट। और यहीं पे नीचे आपको एक फीचर दिख रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट, यहीं से हम इसका सेलिंग रेट फिक्स कर देंगे। अब सेलिंग रेट फिक्स करने के लिए यहाँ पे फीचर आता है, अगर यहाँ फीचर नहीं आता हो आपका तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है F12, और F12 में यहाँ पे एक फीचर आपको मिलेगा, दिस वन प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। ठीक है, तो आप इस फीचर को इनेबल करा लेंगे F12 प्रेस करके। ओके, अब हमें ये LED इमरजेंसी बल्ब है, इसका सेल रेट फिक्स करना है, तो यहाँ पे इस फीचर को यस करेंगे। अब यहाँ पे 2 कॉलम आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या फिक्स करना है, इसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, तो कॉस्ट को छोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस पे आएंगे, और क्वेश्चन की जो डेट है यानी 1/5, क्योंकि ये आइटम जो है 1/5 से
इसका जो रेट फिक्स करेंगे वो 1 मार्च से ही करेंगे, और इसका सेल रेट डालेंगे तो इसका सेल रेट यहाँ दिया हुआ है 1600 रुपया, तो यहाँ पे हम भर देंगे 1600। ओके, बाकी गोडाउन, गोडाउन हमारा है नोएडा, और एक्चुअल में हम कितना सामान खरीद रहे हैं, तो एक्चुअल में 10 बॉक्स और बिल्ड है 8 बॉक्स का, तो यहाँ भरेंगे एक्चुअल में 10 और यहाँ भरेंगे 8, और इसका रेट डाल देंगे तो रेट है 1500, 1500, और इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1% का इन सब पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ भरेंगे 1%। तो ये हमारा एक आइटम हो गया, इसी तरह हमें दूसरा आइटम क्रिएट कर लेना है। दूसरा आइटम है एलईडी कैंडल लाइट बल्ब, एलईडी कैंडल लाइट बल्ब अंडर प्राइमरी, और यूनिट मिलेंगे बॉक्स ऑफ 10 पीस, और इसका यहाँ से सेल रेट फिक्स कर लेंगे। तारीख डालेंगे 1/5, और इसका जो सेल रेट है वो है 1900 रुपये, 1900 यहाँ भर लेंगे। गोडाउन नोएडा, अब एक्चुअल में कितना खरीद रहे हैं, 15 बॉक्स और बिल बन रहा है 14 बॉक्स का, तो यहाँ भरेंगे 15 और यहाँ भरेंगे 14, और इसका जो परचेज प्राइस है वो है 1800 रुपया, तो यहाँ भरेंगे 1800। ट्रेड डिस्काउंट सब पे 1% है। इसी तरह हम नेक्स्ट आइटम बना लेंगे, तो नेक्स्ट आइटम है हमारा एलईडी इलेक्ट्रिकल बल्ब, ओके, अंडरग्राउंड प्राइमरी जाएगा, और इसकी जो यूनिट है ध्यान दीजिए पीस में है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से पीस ले लेना है, और इसका कोई स्टैंडर्ड रेट आपको फिक्स नहीं करना है, तो इस फीचर को हम नो रहने देंगे। गोडाउन नोएडा, और यहाँ पे 4 पीस हम एक्चुअल में खरीद के ला रहे हैं, और बिल, बिल का मतलब है एक भी आइटम का हम पैसा नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ बिल में आपको स्पेस बार दबा देना है, तो ये आइटम हो गया कम्प्लीटली फ्री, यानी 4 पीस एक्चुअल में आएगा लेकिन उसका कोई रेट आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट, अंत में हम ले लेंगे न्यू रेफरेंस और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव वाउचर क्लास बेस्ड ऑन सेल Having following specification, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे एक सेल का वाउचर क्लास हमें डिफाइन करना है। अब देखिए टैली जो हमें सेल का परचेज का जो डिफॉल्ट वाउचर देता है, ठीक है, उसमें वाउचर क्लास बना के आप चेंजिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं, आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पे हमें एक वाउचर क्लास क्रिएट करना है जो कि सेल के ऊपर बेस्ड रहेगा, और उसमें कुछ खासियत रहेंगी, यानी कुछ चीजें हमें उसमें ऐड करनी है। क्या ऐड करना है हमें, तो सबसे पहली चीज जो लिखी है क्लास का नाम, तो इस वाउचर क्लास का नाम हमें क्या रखना है, क्रेडिट सेल, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ग्रुप इंक्लूड सन्ड्री डेब्टर। अब ये ग्रुप इंक्लूड का मतलब क्या है, तो सेल का वाउचर जब आप खोलते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम जो आप सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो बेसिकली आपको लेजर दिखाई देते हैं वो बैंक का लेजर दिखाई देता है, कैश का लेजर दिखाई देता है, इसके अलावा डेप्टर्स का लेजर और क्रेडिटर का लेजर आपको दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि वहां पे पार्टी अकाउंट नेम में सिर्फ और सिर्फ वो लेजर दिखाई दे जिसका अंडर ग्रुप आपने क्या डाला हो, सन्ड्री डेप्टर डाला हो, इसके अलावा और कोई लेजर आपको वहां पे दिखाई न दे। पॉइंट नंबर सी है आपका, 2% अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड बट डज नॉट शोन इन इनवॉइस। अब हम चाहते हैं कि हम सेल करें, तो जितना जितना भी हम सेल करें उसका 2% जो है वो डोनेशन फंड में चला जाए, लेकिन वाउचर में वो डोनेशन फंड का लेजर हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, राइट। और डी ऑप्शन में आपको लिखा है टोटल बिल विल बी राउंडेड ऑफ राउंडिंग लिमिट 5, यानी हमारा जो इनवॉइस का टोटल होना चाहिए, ठीक है, वो जो टोटल हो वो राउंडिंग लिमिट 5 का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू आए टोटल जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसको किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, तो टैली में चलते हैं, वाउचर क्लास किस तरीके से बनाना है वो समझते हैं। तो वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको मास्टर्स में अल्टर में जाना होगा, ओके, और अल्टर में आ जाइएगा वाउचर टाइप में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेल वाउचर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें सेल वाउचर पेयर को ही कन्फिगर करके वाउचर क्लास बनाना है, तो यहाँ पे हम लेंगे सेल्स। अब जब आप इस वाउचर क्लास में सॉरी इस वाउचर के अल्टर में जब जाएंगे तो ऐसी विंडो आपके सामने खुलेगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पहुंचना है। देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ क्लास, तो आपको यहीं तक पहुंचना है, एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पे पहुंचेगा, बीच में किसी फीचर को नो यस नहीं करना है, आप यहाँ आइए। अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है आपका, ठीक है, क्लास नेम क्या रखना है, क्रेडिट सेल, तो यहाँ पे ये जो क्लास का नाम है वो क्या रखना है, क्रेडिट सेल।
क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि ये जो वाउचर क्लास हम बना रहे हैं वो सिर्फ उधार में सामान बेचने के लिए बना रहे हैं, कैश में हम सामान बेचने के लिए इसको नहीं बना रहे हैं। तो क्लास का नाम हो गया क्रेडिट सेल। अब इसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्सक्लूड दीज ग्रुप, यानी इनमें से किस ग्रुप को आप छोड़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है ग्रुप इंक्लूड, एक्सक्लूड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ जो ग्रुप एक्सक्लूड लिखा है यहाँ पे अगर हमें कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो इसको कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद अब आपके टैली पूछ रहा है इंक्लूड दीज ग्रुप्स, तो किसको इनमें से किसको इंक्लूड करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप पार्टी अकाउंट लेजर में जाते हैं, पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको ये सारे लेजर दिखाई देंगे जिनका ग्रुप या तो बैंक अकाउंट हो या बैंक OCC अकाउंट हो, बैंक ODI अकाउंट हो, ब्रांच डिविजन हो, कैश इन हैंड हो। तो जिस लेजर का भी अंडर आपने इनमें से कुछ भी डाला हो वो आपको वहां पे शो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ क्या शो हो, जिस लेजर का अंडर डेप्टर हो। तो यहाँ पे आपको ले लेना है सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि उधार में सामान आप किसको बेचेंगे तो डेप्टर को ही बेचेंगे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं खाली हमारा कौन सा लेजर शो हो, सन्ड्री डेप्टर का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सन्ड्री डेप्टर। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा लेजर नेम, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लेजर बनता है वो है सेल का लेजर। अल्ट सी करके बना लीजिएगा सेल, सेल का अंडर सेल अकाउंट, नॉर्मल लेजर जो आप बनाते हैं बेसिकली। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए सेट अल्टर टेक्स क्लास। तो ये टेक्स क्लास बेसिकली जब हम टेक्स वगैरह पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल इसको नो कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 3 है यानी कि सी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो टोटल सेल होगी उसका 2% जो है डोनेशन फंड में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेल कितनी होगी, 98%। तो यहाँ पे जो सेल का परसेंटेज है वो आपको कितना डाल देना है, 98%। ओके, और यहाँ नॉट एप्लीकेबल करिएगा राउंडिंग और नीचे आइएगा। अब यहाँ पे 98% तो आपने बता दिया कि वो हमारी सेल होगी, तो बाकी 2% कहाँ जाएगा, तो 2% के बारे में यहाँ पे लिखा है 2% अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। तो यहाँ पे आपको एक लेजर बना लेना है अल्ट सी करके, डोनेशन फंड। और डोनेशन फंड ये जो लेजर है ध्यान दीजिएगा, डोनेशन फंड जो लेजर है उसका अंडर क्या जाएगा, तो डोनेशन जैसे आप जो भी सेल करेंगे उसमें से 2-2% 2-2% इकट्ठा करेंगे, और जब ये काफी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तब आप इसको कहीं ले जाकर के अनाथ आश्रम में या जहां भी आप डोनेट करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं वहां जाके आप इसको डोनेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसको आप किस लेजर, इसका अंडर डालेंगे क्या, करेंट लाइबिलिटी। ओके, अब इसका परसेंटेज कितना, तो बाय डिफॉल्ट 2% यहाँ लिखा है, 2% आपको डालना भी है। अब पॉइंट नंबर 4, हमने देखिए ए बी सी ये तीनों चीज कंफिगर कर ली। अब डी नंबर पॉइंट पे आते हैं, टोटल विल बी राउंडेड ऑफ, और राउंडिंग लिमिट कितनी रखनी है, 5। तो यहाँ पे आपको जो नीचे कर्सर आएगा यहाँ पे लेजर नेम में, तो यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है राउंड ऑफ का, अल्ट सी करके लेजर बना लीजिएगा राउंड ऑफ। और इस लेजर का अंडर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम, कुछ भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग फिलहाल डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके, अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये विंडो खुलेगी आपके सामने। अब इसमें से आपको लेना क्या, तो फिलहाल ये जो राउंड ऑफ का हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। तो आपको यही ऑप्शन यहाँ पे लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे राउंडिंग कौन सी रखनी है, नॉर्मल, और राउंडिंग लिमिट कितनी रखनी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको 5 रखनी है। और यहाँ लिखा है रिमूव इफ 0, तो जैसे मान लीजिए आपका जो टोटल इनवॉइस का जो टोटल आता है वो एक ऐसी अमाउंट आती है जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, हो जाती हो अगर, तो फिर इस लेजर का वहां कोई काम नहीं होगा, तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। बाकी इसको यस करके एक्सेप्ट कराइए, तो ये आपका बन गया वाउचर क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाउचर क्लास बनाने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 1/7/2018 विद 20 डेज क्रेडिट पीरियड पास एंट्री बाय यूजिंग वाउचर क्लास। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमें सेल करना है अंजना इलेक्ट्रॉनिक को, ये बिल नंबर दिया है, और 1/7/2018 को सेल करना है, और उस पर हमें 20 दिन का उसको क्रेडिट पीरियड देना है, यानी भी हम उसका क्रेडिट डेज डिफाइन करेंगे कितना, 20 दिन, ताकि वो 20 दिन में हमें पैसा दे। ठीक है, और ये जो सेल की एंट्री हमें पास करनी है, तो ये जो हम बेच रहे हैं सामान उधार में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने एक वाउचर क्लास बनाया था क्रेडिट सेल, जो कि उधार बेचने के लिए ही बनाया था स्पेशली। तो इस क्वेश्चन की जो एंट्री है हम किस में करेंगे, वो वाउचर क्लास में करेंगे। अब वो वाउचर क्लास खुलेगा कैसे,
ठीक है, सेल का वाउचर क्लास खुलेगा कैसे वो ध्यान दीजिएगा। तो आपको जाना है वाउचर में, और सेल की जो शॉर्टकट की होती है वो आपको प्रेस करनी है, F8। ठीक है, तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली सेल का वाउचर खुलेगा नहीं, आपके सामने ये विंडो आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नेम सेल, और यहाँ पे देखिए आप पूछ रहा है क्लास। तो अगर आप नॉट एप्लीकेबल लेंगे तो नॉर्मल सेल का वाउचर खुलेगा, और अगर आप क्रेडिट सेल लेंगे तो जो आपने अभी भी स्पेशली बनाया है वाउचर क्लास वो आपके सामने खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्पेशली वाउचर क्लास खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि राउंड ऑफ का लेजर पहले से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और डोनेशन वाला जो लेजर हमने बनाया था वो यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे वाउचर में वो डोनेशन का लेजर दिखना नहीं चाहिए। बाकी आप इस क्वेश्चन में आप डेट डाल लीजिए, तो हमें इस क्वेश्चन में जो डेट डालनी है वो 1/7 की डेट में एंट्री पास करनी है। F2 प्रेस करेंगे, 1/7 की डेट ले लेंगे, और पार्टी का लेजर हमें बनाना है किस नाम से, तो हमें बेचना है अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो यहाँ Alt+C प्रेस करेंगे, अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस लेजर का अंडर क्या डालना है आपको, तो ये फिलहाल जो है पार्टी को बेच रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, डेब्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आता है ऑप्शन डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो आप चाहें तो जैसे डिफॉल्ट का मतलब होता है जब भी आप अंजना को सेल करेंगे उतने ही दिन का क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट डेज लिखा है 20 दिन का, तो अगर आप चाहते ये हैं कि अंजना को जब भी सेल करें तो उसको 20 दिन का क्रेडिट डेज देना है, तो आप जो 20 दिन है वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, राइट? और अगर आप हर बार चीजें चेंज करते हैं, यानी कभी आप 10 दिन का क्रेडिट देते हैं, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का, तो फिर आगे चल के आपको डिफाइन करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या क्या आइटम हमें बेचना है वन बाय वन ले लेते हैं। तो हमें बेचना है LED इमरजेंसी बल्ब, तो यहाँ पे LED इमरजेंसी बल्ब किस गोडाउन में है, तो नोएडा में रखा है, और एक्चुअल 5 बॉक्स और 10 पीस हमें बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बॉक्स और 10 पीस कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है 5 और -10। तो ये हो गया 5 बॉक्स और 10 पीस, और यहाँ पे कोई फ्री आइटम हम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं करेंगे। सेल रेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए आपको सेल का रेट नहीं दिया है कि आप कितने प्राइस पे बेचेंगे, क्योंकि सेल रेट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये जो एलर्जी इमरजेंसी बल्ब है इसका रेट जो है वो है 1600 रुपया, तो यहाँ पे अपने आप 1600 आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट इसमें हमें नहीं देना है तो छोड़ देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम बेचना है LED कैंडल लाइट बल्ब, तो यहाँ पे ले लेंगे LED कैंडल लाइट बल्ब गोडाउन नोएडा, और इसमें कितना बेचना है, 10 बॉक्स और 12 पीस। तो यहाँ पे आप भरेंगे 10 बॉक्स -12 पीस, तो 10-12। ठीक है, तो हो गया 11 बॉक्स और 2 पीस, सेल रेट अपने आप आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड ऑफ जो है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट जो टोटल आया हमारे इनवॉइस का टोटल, ये वो वैल्यू है जो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा जो अमाउंट का इनवॉइस का टोटल अगर डेसिमल में आता है, यानी कि 30,880 रुपया 20 पैसे आता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये राउंड ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाता है। अंत में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको लेना है न्यू रेफरेंस, यहाँ सेल हो रहा है तो न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे भरेंगे हम बिल नंबर। तो बिल नंबर आपका दिया हुआ है SALE सेल 8564-1819, 8564-1819। और देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आता है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज का, यहीं पे आपको भरना है ये 20 दिन, 20 डेज का हम क्रेडिट डेज दे रहे हैं उसको, तो यहाँ भरेंगे आप 20 डेज। ठीक है, तो यानी कि ये जो बिल बन रहा है ये बन रहा है 1 जुलाई को, और 20 दिन बाद कौन सी डेट आ जाएगी, 21 जुलाई। ठीक है, तो 21 जुलाई तक हमने इसको टाइम दिया है कि भाई हमें इतना पैसा हमें दे दो, यानी 30,880 रुपया। तो ये हो गया सेल की एंट्री वाउचर क्लास के साथ। रिसीव एंटायर अमाउंट फ्रॉम अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 2/10/2018 बाई चेक ऑफ ICICI बैंक। तो यहाँ पे अंजना इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें पूरा पैसा रिसीव हो रहा है, तो सीधे आते हैं किस वाउचर में, रिसिप्ट में F6, और अंजना इलेक्ट्रॉनिक यही लेजर है। इससे कितना पैसा मिलना है हमें, 30,880 रुपया, तो यहाँ भरेंगे 30,880। रेफरेंस अगेंस्ट पुराने बिल का पैसा मिल रहा है चूंकि, और डेबिट कर देंगे अपना जो बैंक है, हमारा बैंक इसमें SBI में है, और यहाँ पे चेक नंबर डाल देते हैं, चेक नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 456321, 456321। ये हो गया पार्टी से पैसा रिसीव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी रिसीव रुपीज 8 लाख लोन ऑन 1/11/2018 फ्रॉम HDFC बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पर एनम एंड एग्रीड टू पे इंटरेस्ट एट मंथली बेसिस। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दो चीजों पे होगी, एक तो पार्टी के ऊपर और दूसरा लोन के ऊपर। तो हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन है वो लोन का केस है, ठीक है। जैसे कि हमारी कंपनी क्या ले रही है, 8 लाख रुपए का लोन ले रही है, कहाँ से, HDFC बैंक से। कितना परसेंट उसमें इंटरेस्ट है, 14%। तो हम चाहते हैं कि हम खुद कैलकुलेट कर लें कि हमें कितना इंटरेस्ट उसको देना है, और वो इंटरेस्ट हम टैली से कैलकुलेट कराएंगे। तो टैली से किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अब हमें समझना है। तो टैली में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, फीचर इनेबल करना होगा। तो F11 में चले जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा फीचर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये फीचर है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको इस फीचर को इनेबल करा लेना है। ये स्टेप नंबर 1, आपका पहला काम यही करना है आपको। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए कंपनी रिसीव लोन ऑफ ₹8 लाख ऑन 1/11/2018। तो आप सिंपली क्या करिए, सीधे ये जो लोन है इसको रिसीव करने की एंट्री पास करिए। लोन ले रहे हैं आप तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम HDFC, ये जनरल एंट्री आपकी बनेगी। तो यहाँ से जैसे फीचर इनेबल हो गया, फीचर इनेबल करने के बाद सीधे वाउचर में चलते हैं और रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं। और यहाँ पे जब इंटरेस्ट का केस अगर हो तो आप डेट वगैरह का खास ख्याल रखा करिए। ये जो लोन है हम कब ले रहे हैं, 1/11 को ले रहे हैं, तो यहाँ F2 करके डेट डाल लेंगे 1/11 1/11। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको बोला जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट लोन फ्रॉम HDFC। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, लोन वाला लेजर बना लेंगे। तो लोन हमने लिया है HDFC बैंक से, तो लेजर का नाम क्या रखेंगे, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है। ओके, अब इस लोन का अंडर, तो HDFC बैंक से लोन लिया है तो ये सिक्योर्ड लोन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका अंडर डाल देंगे सिक्योर्ड लोन। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यही जो बैंक है इसी से तो हम लोन ले रहे हैं, इसी के ऊपर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है, इसी फीचर को आपको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। यस करेंगे आपके सामने ये इंटरेस्ट पैरामीटर की विंडो खुलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको इसको भरना है। तो इसमें भरना क्या है, तो देखिए लिखा है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर अमाउंट एडेड। तो फॉर अमाउंट एडेड इस फीचर को यस कर दीजिएगा। मतलब सिंपल सा है कि जब जब मान लीजिए अभी हमने 8 लाख का लोन ले रहे हैं, उसके बाद हो सकता है हम कुछ और भी लोन लेंगे, ठीक है। तो अगर अमाउंट कोई ऐड होता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट क्या करे, कैलकुलेट करे। तो इस फीचर को यस कर लीजिएगा, अमाउंट डिडक्टेड छोड़ दीजिएगा। रेट कितना है, तो देखिए रेट जो है इस पे वो है 14% पर एनम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14% पर एनम का रेट है, यानी ये सालाना रेट है, ठीक है। अब टैली में जो है चक्कर वो है क्या कि आप जो कंपनी बनाते हैं वो 1 ही साल की बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो कैसे पे करेंगे, मंथली बेसिस, यानी हर महीने पे करेंगे। तो ये जो रेट है 14% का, इसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अल्ट सी यानी कैलकुलेटर खोल लीजिएगा। अब 14% पूरे साल का रेट है तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, तो एक महीने का रेट आपका निकल आएगा। तो एक महीने का रेट यहाँ पे आपका निकल के आ गया 1.1667%, ठीक है। अब पर में आपको क्या लेना है, तो पर में देखिए चार ऑप्शन आते हैं, 30 डे का मंथ, 365 दिन का साल, कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर। तो हमारा जो केस है हमें मंथली इंटरेस्ट देना है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, कैलेंडर मंथ। यानी कि कैलेंडर मंथ का मतलब अगर 28 दिन का होगा तो 28 दिन का कैलकुलेट करेगा, 31 दिन का होगा तो 31 दिन का। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन ले लेंगे तो चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी, सबको 30 दिन का मान के इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप कैलेंडर मंथ लें, ठीक है। जो महीना जितने दिन का हो उसमें उतने ही दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अब आपसे पूछेगा किस बैलेंस में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए लोन, लोन का मतलब है लायबिलिटी, यानी कि आपने लोन लिया है तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो आप जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो क्रेडिट बैलेंस पे करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ले लीजिएगा क्रेडिट बैलेंस। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने लोन कब लिया है, 1/11 को। तो यहाँ पे आपको डेट डाल लेनी है 1/11, ठीक है, कि 1/11 से ये लोन की कैलकुलेशन करेगा। और टू में आपको कुछ नहीं भरना है, क्यों नहीं भरना है, क्योंकि ये लोन आप कब वापस करेंगे कोई क्लियरिटी इसकी है नहीं। तो यहाँ पे टू को हम क्या छोड़ेंगे, ब्लैंक। बाकी राउंडिंग हमें नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप एग्जैक्ट इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो उसको क्या रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल। बाकी इस लेजर को एक्सेप्ट कराइए, ओके। अब यहाँ पे हमको भरना है कि लोन हमने कितने का लिया। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमने 8 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे भरेंगे
8 लाख, बाकी डेबिट कर देंगे एसबीआई को। तो एसबीआई बैंक में हमने ये पैसा रिसीव कर लिया। चेक नंबर दिया है या नहीं दिया है? चेक नंबर नहीं है, चलो कोई बात, यहाँ पे चेक नंबर हम अपने हिसाब से भर लेते हैं। ओके, तो ये हो गई लोन रिसीव की एंट्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंपनी पेड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 1/12/2018 बाई चेक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब आपको क्या करना है कि ये जो लोन लिया है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो इंटरेस्ट की पेमेंट करने से पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट बना। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो टैली प्राइम में चीजें थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं। तो टैली प्राइम में सिंपल सा है, आपको अगर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिएगा कि वो जो लोन आपने लिया था वो आपकी लाइबिलिटी थी, यानी क्रेडिट बैलेंस था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट नोट, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट नोट बनाना है। तो यहाँ पे अब हमें खोलना है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट वाउचर कैसे खुलेगा, अदर वाउचर्स में जाइएगा और ये है क्रेडिट नोट। ठीक है, शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F6। तो ये हमारा खुल गया क्रेडिट नोट। अब यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है, कंट्रोल H, चेंज मोड। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, चेंज मोड, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ देखिए चार ऑप्शन आते हैं, आइटम इनवाइस, अकाउंट इनवाइस, एज वाउचर और यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो अभी फिलहाल हम क्रेडिट नोट का यूज किस लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे ले लेना है यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में हमारे क्या था, सिंपल इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, कंपाउंड हमें चार्ज नहीं करना है। तो इस फीचर को क्या रहने दीजिएगा, नो। अब यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट में आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट में आपको एक ही लेजर दिखाई दे रहा है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ये वही लेजर है जिसमें हमने इंटरेस्ट का फीचर एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपको यही लेजर ले लेना है। और जैसे ही आप इस लेजर को लेंगे, एक छोटा सा काम हमने नहीं किया, मैं सही कर लेता हूँ। देखिए कंपनी पेड इंटरेस्ट यानी कि 1/11 को हमने लोन लिया था, तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, 1/12 को, यानी 1/12 को 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने बाद ही तो देना है। तो यहाँ पे आप डेट जरूर चेंज कर लीजिएगा, 1/12, तभी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो पाएगा, राइट? ओके, तो जैसे ही आप ये लेजर लेके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 9634 रुपये 68 पैसे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। डेबिट किसको करना है, तो डेबिट करने के लिए यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट, यानी लोन लिया था आपने तो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। तो इसको डालिएगा अंडर लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप है। फीचर इनेबल करना है, वाउचर एंट्री करनी है और पैरामीटर सेट करना है और क्रेडिट नोट में एंट्री पास कर देनी है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, राइट? तो ये इंटरेस्ट हमारा बना कितना, 9634 रुपया 68 पैसा, इसी की नेक्स्ट आपको क्या कर देनी है, पेमेंट। F5 में आ जाइएगा और इंटरेस्ट वाला लेजर ले लीजिए, ठीक है, और यही जो अमाउंट दिख रहा है 9634 रुपया, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है शायद, नहीं, कंपनी पेड, अच्छा इंटरेस्ट की पेमेंट हमें करनी है, कंपनी पेड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 1/12/2018 बाई चेक। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की, वाउचर में आ जाइए और इंटरेस्ट का लेजर ले लीजिए और यहाँ पे क्या है, 9634 रुपया, 9634 रुपया और 68 पैसे, .68। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, आपको पे कर देना है, क्रेडिट कर दीजिएगा एसबीआई को अपने, ठीक है। तो ये होगी आपके इंटरेस्ट की पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम हंसिका एंटरप्राइजेस ऑन 1 जनवरी 2019 विथ लोडिंग चार्ज 500। ओके, और यहाँ पे आप एक्चुअल बिल्ड, एक तो ये फीचर है जो कि ऑलरेडी हमारी कंपनी में इनेबल है, इसके अलावा सेल प्राइस फिक्स करना है, ये भी हमारी कंपनी में ऑलरेडी इनेबल है, ठीक है। बस यहाँ पे एक नया चीज जो है इसमें, वो है क्या है, लोडिंग चार्ज, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सीधे आते हैं परचेज वाउचर में, F9 प्रेस करते हैं, सॉरी सेल का वाउचर खुल गया, F9, परचेज, डेट डाल लीजिए, तो डेट है आपकी 1 जनवरी, 1 जनवरी, ओके। बिल नंबर है आपका PUR 51937, 51937, और पार्टी का नाम है आपका हंसिका एंटरप्राइजेस। तो अल्टसिगर के लेजर मान लेते हैं, हंसिका कौन हो जाएगा, खरीद रहे हैं तो सन्ट्री क्रेडिटर हो जाएंगे, ओके, कंट्रोल ए। अब
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परचेज में परचेज का लेजर, और यहाँ पे अब हमें आइटम क्रिएट कर लेने हैं। पहला आइटम है एलईडी इमरजेंसी बल्ब। अच्छा, ये सारे आइटम तो बने हुए हैं आई थिंक सो। मेरे ख्याल से बने तो हैं, हमने बनाए तो हैं एलईडी इमरजेंसी बल्ब, एलईडी यही है इमरजेंसी बल्ब। ओके, गोडाउन किस गोडाउन में रखना है देख लीजिए, तो नोएडा में ही रखना है, नोएडा। एक्चुअल और बिल्ड, तो एक्चुअल में हमें खरीदना है 8 बॉक्स 6 बॉक्स, ठीक है, 8 और 6, यानी 8 बॉक्स एक्चुअल में और 6 बॉक्स का बिल बनेगा, और रेट है आपका 1500 ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका सेल रेट आपको फिक्स करना है 1650 रुपया, ठीक है। तो सेल रेट फिक्स करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे आपको एक काम करना है, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, ये लेजर ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, आइटम। अब इसका सेल रेट हमें फिक्स करना है, तो इस आइटम को हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, और एक बार फिर से यहाँ जाएंगे अलाउ स्टैंडर्ड रेट में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 मई को इसका रेट कितना था, 1600, और अब कौन सी डेट आ गई है, अब हम कब खरीद रहे हैं, 1 जनवरी 2019 को। तो यहाँ पे नया डेट डालिएगा 1 जनवरी 2019, और नया रेट डाल दीजिएगा इसका कितना, 1650 रुपया, 1650। तो 1 जनवरी के बाद अगर सेल की एंट्री करेंगे तो क्या रेट पकड़ेगा, 1650 रुपया। यही इस क्वेश्चन में नया है, ठीक है। बाकी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हमें नहीं देना है। इसी तरह नेक्स्ट आइटम जो है आपका वो है एलईडी कैंडल लाइट बल्ब। तो यहाँ पे ले लेंगे एलईडी कैंडल लाइट बल्ब, गोडाउन नोएडा ही। अब एक्चुअल में हम कितना खरीद रहे हैं, 7 बॉक्स, 4 7 और 4 है, ठीक है, तो 7 और 4। तो यहाँ पे फिर वही चक्कर है, हमने वो डिफाइन नहीं किया इसका। अच्छा चलिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ, 1800 है, ठीक है। यहाँ से बैक जाते हैं और इसका भी सेल रेट फिक्स करना है, मैं तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, और इसका भी सेल रेट फिक्स कर लेते हैं 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2019 से। तो इसका जो रेट है सेल रेट 1 जनवरी से कितना है, 1950 रुपया, 950। ओके, थोड़ा सा। और लास्ट आइटम है आपका एलईडी इलेक्ट्रिकल बल्ब, एलईडी इलेक्ट्रिकल बल्ब, गोडाउन अगेन नोएडा ही, और इसमें 4 पीस बेचना है टोटली फ्री, ठीक है। तो 4 बस भर लीजिए और यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो सामान हम खरीद रहे हैं इस पे क्या लगा है, लोडिंग चार्ज 500 रुपये का। तो ये जो लोडिंग चार्ज है आपको यहाँ दिखा देना है नीचे, यानी क्या, टोटल से नीचे जाइएगा और यहाँ पे अल्ट सी करके एक लेजर बनाइएगा, लोडिंग चार्ज। अब ध्यान दीजिए, परचेज करते समय जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। परचेज करते समय जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ बस आपको लेजर क्रिएट कर लेना है, और जो भी अमाउंट आपका खर्च हुआ है कितना हुआ है, 500 रुपये, तो आपको यहाँ पे 500 रुपया दिखा देना है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं अंत में, न्यू रेफरेंस। ओके, कोई एक्स्ट्रा चीज तो दी नहीं है, ड्यू डेट वगैरह नहीं दी है, तो हम लोग भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया आज का टोटल कंप्लीट। ये है आपकी बैलेंस शीट Alt F1, और टाइम एकदम लगभग खत्म हो चुका है। हेलो,